रहे हैं भगवान विष्णु मूर्ति के कारण आकर्षण का केंद्र बना यह मंदिर। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। भगवान विष्णु त्रिदेवो यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक हैं। साथ ही उन्हें जगत का पालनहार भी कहा जाता है। आज हम आपको भगवान विष्णु के ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो विष्णु जी की मूर्ति के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मंदिर भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है। भारत में विष्णु जी के ऐसे कई मंदिर स्थापित हैं जो अपनी सुंदरता और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेपाल के शिवपुरी में स्थित बुद्ध नीलकंठ मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस मंदिर में दुनिया की एकलौती विष्णु जी की ऐसी प्रतिमा है जो शेषनाग पर विश्राम की अवस्था में स्थापित है। यह मंदिर नेपाल के काठमांडू से 8 किलोमीटर दूर शिवपुरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु नेपाल पहुंचते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी खास बातें और इसकी मान्यताएं। स्थानीय किंवदंती पानी में प्रतिमा के बगल में भगवान शिव के दर्पण जैसी छवि के अस्तित्व का वर्णन करती है। भले ही प्रतिमा आकाश की ओर ऊपर की ओर है, किंवदंतियों का यह दावा भी है कि हर साल अगस्त में आयोजित होने वाले वार्षिक शिव उत्सव पर दर्पण जैसी छवि दिखाई देती है। ऐसा केवल सावन माह के दौरान ही होता है। बुद्ध नीलकंठ मंदिर में भगवान विष्णु जी की एक मूर्ति कई वर्षों से तालाब में निद्रा की मुद्रा में स्थित है। यह मूर्ति 11 नागों की सर्पिलाकार कुंडली में विराजमान है और भगवान विष्णु के सिर पर 11 नागों का छत्र बना हुआ है। इस मूर्ति की लंबाई 5 मीटर है, जिसमें श्री हरि के पैर विश्राम निद्रा की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष उत्पन्न हुआ तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। विष के कारण शिव जी का कंठ जलने लगा, तब उन्होंने विष के प्रभाव को कम करने के लिए एक स्थान पर त्रिशूल का प्रभाव किया, जिससे एक झील का निर्माण हुआ, जिससे शिव जी ने अपने गले की जलन को शांत किया। वर्तमान में इस झील को गोसाई कुंड झील कहा जाता है। मान्यता है कि बुद्ध नीलकंठ में इसी गोसाई कुंड का जल आता है, इसलिए इस मंदिर को बुद्ध नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।